हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24/7। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एस्टेट 2014 का जो नियोजन हुआ था माध्यमिक टीचर के लिए, सेकेंडरी टीचर के लिए, उसमें आपका एकेडमिक और ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसका भी मार्क्स ऐड किया गया था, और आपका एस्टेट का जो मार्क्स है उसका वेटेज दिया गया था। तो इस बार भी शायद कहीं दोस्तों ऐसा हो, बट ये क्लियर नहीं किया गया है जो भी एडवर्टाइजमेंट आया है, जो भी नोटिफिकेशन आया है। लेकिन जो 2014 में जो नियोजन हुआ है या उसके पहले जो भी नियोजन हुआ है उसमें सारे आपका मार्क्स जो भी है, एकेडमिक और क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो मार्क्स, उसको भी ऐड किया गया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, बट कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, सारे का पॉइंट दिया गया, देख सकते हैं, और ये सारे का परसेंटेज है एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ही ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस बार ही ऐसा हो, बट अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जो भी काउंसलिंग होता है, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं किसी स्कूल में या किसी पंचायत में, जो भी जहाँ भी अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, आपको क्वालिफिकेशन भी चेक किया जाता है, जो आप जो मार्क्स लाए उसको भी चेक किया जाता है। बट इस बार कुछ चेंज हो सकता है, हो सकता है कि सिर्फ एस्टेट के मार्क्स पे ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो। अब मेरिट लिस्ट में जहाँ पे दोस्तों टाई होता है, वहाँ पे आपका मार्क्स कहीं हो सकता है कि इस बार देखा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो पे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट का देखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।